ग्रैंड सिटी करनाल के अंदर आके हमारे मोदी को कर दिया है। महंगाई, बेरोजगारी, तमाम मुद्दों को, और इस समय देखिए कि कितने गुस्से में कांग्रेस काम करता है। देखिए कि काफी लाख रूपए मारते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं तो करने के बाद यहाँ पर सभी कार्यकर्ता भागते नजर आ रहे हैं। ये देख सकते हैं कि यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर ये देखिए तमाम कार्यकर्ताओं को अपने अपने में लिया गया। ये देखिए अपने आप को पुलिस के हवाले करते नजर आ रहे हैं। मैं रविंदर सरपंच और आप देख रहे हैं संसार क्रांति। इस समय हम आपको बता दें सीएम सिटी के अंदर हम मौजूद है। ये देखिए सामने एक बार हम आपको दिखा देते हैं कि महंगाई, बेरोजगारी, अग्निपथ योजना को लेकर ये देख सकते हैं कि आवश्यक वस्तु जो भी जीएसटी लगा दिया, महंगाई बढ़ा दी, बेरोजगारी और अग्निपथ को लेकर जो सरकार आई है उसके चलते ये देखिए तमाम भीड़ यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ता है। सारे कांग्रेस कार्यकर्ता है और मेन बंदे भी यहाँ पर है। देख सकते हैं काफी लोग है यहाँ पर, क्योंकि आज जो बेरोजगारी का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, जिसके चलते आज जो त्राही माम मचा हुआ है। और आज यहाँ पर लोग हैं, उनसे हम बातचीत जरूर करेंगे। नरेंद्र सागवान जी यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे भी बातचीत जरूर करेंगे कि आज यहाँ पर जो प्रदर्शन किया जा रहा है, रोज प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। जी सर, क्या कुछ कहना चाहोगे आज? मतलब चारों तरफ जो जनता है मतलब त्राही माम कर रही है। आप देख ही रहे हैं आज कांग्रेस पार्टी पूरे देश में महंगाई के विरोध में प्रदर्शन कर रही है और महंगाई का पुतला फूंका जा रहा है। तो आज पूरे देश की जनता इस सरकार से दुखी और था कि हमारी सरकार बनने के बाद हम महंगाई कम करेंगे, 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देंगे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे और भी कई वायदे किए थे, लेकिन किसी वायदे पर खरा नहीं उतरी। अब तो जनता दुखी है, परेशान है। रसोई गैस के दाम बढ़ गए, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए और जितनी भी दैनिक जरूरत की चीजें हैं उन सब के दाम आज बढ़ चुके हैं। सभी वर्ग के लोग इस सरकार से दुखी हैं। ये देखिए यहाँ पर मोदी जी को उठाकर यहाँ पर लोग लेकर जा रहे हैं, ये देख सकते हैं। वो हम आपको तस्वीरें जरूर दिखाएंगे। ये देख सकते हैं महंगाई के साथ साथ मोदी को भी कंधे पर लोगों ने उठा लिया है। ये तस्वीरें देखिए आप, ये देख सकते हैं कि सामने जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, जो कांग्रेस के एमपी एमएलए हैं यहाँ पर मौजूद हैं, पूर्व हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए सामने आपको दिखाई देगा कि कंधों पर किसको उठा लिया है, मोदी को कंधे पर उठा लिया है, महंगाई को कंधे पर उठा लिया है और अब इसको आग लगाई जाएगी। ये देख सकते हैं कि ये देखिए कि जो भी दर्शक वीडियो को देख रहे हैं साथ ही साथ शेयर जरूर कर दिए। इस समय जिला सचिवालय के अंदर एंटर करने वाले हैं मोदी जी को लेकर। जिला सचिवालय में अब एंटर करेंगे। बेरोजगारी, महंगाई, तमाम मुद्दे उन्होंने कंधे पर उठा लिए हैं और अब मोदी भी कंधे पर है और जिसके चलते ये देखिए तमाम लोग समय यहाँ पर जिला सचिवालय में एंटर करते नजर आ रहे हैं। तो जो भी दर्शक वीडियो को देख रहे हैं एक बार शेयर जरूर कर दीजिए। ये देख सकते हैं तमाम लोग इस समय यहाँ पर जिला सचिवालय में एंटर होने जा रहे हैं। ये देख सकते हैं तमाम लोग हैं, ये देख सकते हैं। तो जो भी दर्शक वीडियो को देख रहे हैं साथ ही साथ इसे शेयर जरूर कर दीजिए। ये देख सकते हैं कि वहाँ पर उनका पुतला ये कंधे से उतार दिया गया है। ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं कि कंधे से पुतले को उतार दिया गया है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर उसको पटक दिया गया है। अब क्या हाल होगा वो देखने लायक बात होगी। ये देख सकते हैं कि चारों तरफ से घेर लिया है। तो जो भी दर्शक वीडियो को देख रहे हैं साथ ही साथ शेयर जरूर कर दीजिए। ये देख सकते हैं कि मोदी को चारों तरफ से घेर लिया है बीजेपी में। ये देख सकते हैं कि चारों तरफ से महंगाई यहाँ पर, ये देख सकते हैं जो भी दर्शक वीडियो को देख रहे हैं साथ ही साथ शेयर जरूर कर दीजिए। ये देख सकते हैं कि जो भी दर्शक वीडियो को देख रहे हैं एक बार शेयर जरूर कर दीजिए। अब यहाँ पर इनको आग लगाई जाएगी। ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी दर्शक वीडियो को देख रहे हैं साथ ही साथ इसे शेयर जरूर कर दीजिए। हाथों में बैनर है, फ्लैग्स है और साथ में जो भी दर्शक वीडियो को देख रहे हैं साथ ही साथ इसे शेयर जरूर कर दीजिए। ये देख सकते हैं कि जो भी दर्शक वीडियो को देख रहे हैं एक बार शेयर जरूर कर दीजिए। आप यहाँ पर मोदी का जो पुतला है उसको आग लगाई जाएगी। ये देख सकते हैं कि जो भी दर्शक वीडियो को देख रहे हैं शेयर जरूर कर दीजिए। ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं कि अब यहाँ पर मोदी को आग लगा दी गई है। जो उनका पुतला है अग्नि के हवाले कर दिया गया है। तमाम जो भी कांग्रेस कार्यकर्ता है कहीं ना कहीं उसको अपनी लपेटे में लेते नजर आ रहे हैं और अब उसका कहीं ना कहीं बचाव भी करते नजर आ रहे हैं। ये देख सकते हैं कि आग लगा दी जाती है और अब देख सकते हैं कि यहाँ पर ये देखिए कि महंगाई के साथ साथ मोदी को भी आग लगा दी जाती है। महंगाई के साथ साथ मोदी को भी आग के हवाले कर दिया जाता है। क्या जनता
जनता फिर भी खुश हो पाएगी? क्या जनता को राहत मिलेगी? ये बड़ा सवाल है कि मोदी को इस समय आग के हवाले कर दिया गया है, सीएम सिटी करनाल के अंदर आग के हवाले मोदी को कर दिया गया है, महंगाई बेरोजगारी तमाम मुद्दों को, और इस समय देखिए कि कितने गुस्से में कांग्रेस काम करता है, देखिए कि काफी लात गुस्से मारते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जो भी दर्शक वीडियो को देख रहे हैं साथ ही साथ शेयर जरूर कर दीजिए। ये देख सकते हैं कि तमाम लोग क्या कर रहे हो जी, ये देख सकते हैं कि यहाँ पर लात गुस्से मारते नजर आ रहे हैं। ये देखिए सपा बाजी पूरा, ये देख सकते हैं कि मोदी पर किस प्रकार से लात गुस्सा से वार किए जा रहे हैं। ये देखिए कि यहाँ पर बुरी तरह से सीएम सिटी में मोदी को कितनी बुरी तरह से यहाँ पर, ये देख सकते हैं, ये देखिए कि किस प्रकार से यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किस प्रकार से यहाँ पर मोदी को आग के हवाले कर दिया, महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी के साथ साथ। ये देख सकते हैं क्या यहाँ पर गिरफ्तारी होने जा रही है, ये देख सकते हैं, ये देखिए। तो जो भी दर्शक वीडियो को देख रहे हैं साथ ही साथ शेयर जरूर कर दीजिए। ये देख सकते हैं कि मोदी को आग करने के बाद यहाँ पर सभी कार्यकर्ता भागते नजर आ रहे हैं। ये देख सकते हैं कि यहाँ पर अब ये देखिए कि तमाम कार्यकर्ताओं को अब गिरफ्त में ले लिया गया है। ये देखिए अपने आप को पुलिस के हवाले करते नजर आ रहे हैं। ये देख सकते हैं कि काफी बड़े खबर है, यहाँ पर देख सकते हैं तमाम कार्यकर्ताओं को, तमाम जो नेता थे उनको गिरफ्त में लेते नजर आ रहे हैं, अपने गिरफ्तारी करवाते नजर आ रहे हैं। ये देख सकते हैं कि जो भी दर्शक वीडियो को देख रहे हैं साथ ही साथ इसे शेयर जरूर कर दीजिए। अपनी गिरफ्तारी देते हैं यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो जो भी दर्शक वीडियो को देख रहे हैं साथ ही साथ शेयर जरूर करते हैं, क्योंकि इन्होंने पार्टी के सभी कार्यकर्ता नेतागण इसके खिलाफ जो है, इस तरह का आलम आज महंगाई का बेरोजगारी का देश के अंदर छाया हुआ है। हर गरीब तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पर अपनी गिरफ्तारी देते हैं, यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इस तरफ देखिए, एक तरफ इधर देखिए, ये देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता है, जो मेन बंदे थे, जो मेन लीडर थे जो कांग्रेस के, उनको यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया। वो अपनी गिरफ्तारी खुद देते नजर आ रहे हैं। ये देख सकते हैं कि मोदी को आग के हवाले करने के बाद, और देखिए कि कुछ लोग उस दूसरी बस में भी वहाँ पर भी जा रहे हैं। ये देखिए कि यहाँ पर महंगाई बेरोजगारी और अग्निपथ योजना जो है उसको आग के साथ उसके साथ साथ मोदी को भी आग के हवाले कर दिया गया है, और उसके बाद अपनी गिरफ्तारी देते नजर आ रहे हैं। ये देख सकते हैं कि जो भी दर्शक वीडियो को देख रहे हैं साथ ही साथ शेयर जरूर कर दीजिए। बड़ी खबर है सीएम सिटी करनाल से है कि उन्होंने किस प्रकार से मोदी के पुतले को आग के हवाले कर दिया, एक तरह से मोदी को आग के हवाले कर दिया। और देख सकते हैं कि अब यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता जो हैं यहाँ पर अपने आप को यहाँ पर हवाले करते नजर आ रहे हैं, कि अपनी गिरफ्तारी देते नजर आ रहे हैं। दिल्ली में राहुल गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया है। कांग्रेस जन महंगाई के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ते रहे। तो आप देख सकते हैं कि इस समय हम आपको लाइव तस्वीर। हां जी सर, क्या कुछ करना चाहोगे? कांग्रेस पार्टी का आज एक प्रदर्शन था, उसके बाद हमने पुतला भूखा महंगाई का, अभी हमने हमारे को गिरफ्तार कर लिया गया है। कितने लोगों को गिरफ्तार किया है? अभी कुछ मालूम नहीं है, तो अकाउंट बाद में पता लगेगा। काफी लोगों को किया है, कुछ लोगों को बसों भर के उल्टी दिशा में ले गए, कहाँ ले गए मालूम नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, इस समय हम आपको अंदर की तस्वीरें भी एक बार जरूर दिखाएंगे। ये देख सकते हैं कि अंदर की तस्वीरें भी हम एक बार आपको दिखा देंगे। ये देख सकते हैं कि समय यहाँ पर राहुल गांधी, इस समय ये देखिए कि जो भी दर्शक यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं, जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं साथ ही साथ इसे शेयर जरूर कर दीजिए। इस समय यहाँ पर अपनी गिरफ्तारी कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पर देते नजर आ रहे हैं। ये देख सकते तमाम पुलिसकर्मी यहाँ पर थे। तो जो भी दर्शक वीडियो को देख रहे हैं साथ ही साथ इसे शेयर जरूर कर दीजिए। समय यहाँ पर पुलिसकर्मी यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करते नजर आ रहे हैं। ये देखिए कि जो भी दर्शक वीडियो को देख रहे हैं शेयर जरूर कर दीजिए। इस समय काफी बड़ी खबर है, ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जो भी दर्शक वीडियो को देख रहे हैं साथ ही साथ इसे शेयर जरूर कर दीजिए। राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद।
राहुल गांधी। हाँ जी मैम, क्या कुछ कहना चाहोगे? हमें गरीब जनता के लिए बढ़ती महंगाई को देखते हुए जेल जाना पड़ेगा, तब भी गिरफ्तारियां देंगे। देख सकते हैं कि यदि यहां पर देख सकते हैं कि काफी जो कांग्रेस कार्यकर्ता थे सभी को लगभग गिरफ्तार कर लिया गया है। यहां पर महंगाई के चलते, अग्निपथ योजना के चलते, बेरोजगारी के चलते यहां पर तमाम कार्यकर्ताओं ने अपनी गिरफ्तारी दे दी है। काफी को गिरफ्तार कर लिया गया है, सब तमाम यहां पर जा चुके हैं। ये देख सकते हैं तमाम लोगों की यहां पर गिरफ्तारी हो चुकी है। तो जो भी दर्शक वीडियो को देख रहे हैं साथ ही साथ शेयर जरूर कर दीजिए। यहां पर आपको बता दें कि बड़ा बवाल मचा हुआ है सीएम सिटी करनाल के अंदर। ये देखिए कि तमाम यहां पर कार्यकर्ता हैं और पुलिस प्रशासन यहां पर मौजूद है, और जो कांग्रेस कार्यकर्ता थे उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दे दी है। और अब यहां पर देखिए कि तमाम यहां पर किस प्रकार से लोग यहां पर आ चुके हैं। सड़कों पर इस समय पुलिस प्रशासन है, और देखिए कि इस समय यहां पर सीएम सिटी करनाल से आपको तस्वीरें दिखा पा रहे थे कि किस प्रकार से जो मुद्दे चले हुए थे, महंगाई का, बेरोजगारी का, अग्निपथ योजना जो आती है, और जो तमाम योजनाएं आती है कहीं ना कहीं गलघोटू योजना साबित होती है, जिसके चलते आज यहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मिलकर यहां पर मोदी का पुतला फूंक दिया, महंगाई का पुतला फूंक दिया, और जो गलघोटू योजनाएं थी तमाम योजनाओं का उन्होंने यहां पर पुतला फूंका। और उसके बाद पुलिस प्रशासन यहां पर देखे कितनी भारी संख्या में है, उनके द्वारा कुछ को गिरफ्तार कर लिया जाता है और कुछ कार्यकर्ता अपने आप गिरफ्तारी दे देते हैं। उसके बाद ये देखिए कि क्या यहां पर माहौल है। तो जो भी दर्शक वीडियो को देख रहे हैं साथ ही साथ इसे शेयर जरूर कर दीजिए। मैं रविंद्र सरपंच संसार क्रांति से, जय हिंद जय भारत।